कोरोना काल के दो वर्षों के बाद खूंटी जिले के आमरेश्वर धाम में श्रावण मास के आगाज के साथ ही आज खूंटी उपायुक्त द्वारा श्रावणी मेले का उद्घाटन किया गया। इस दौरान पुलिस अधीक्षक और उपायुक्त के द्वारा मंदिर में पूजा अर्चना भी की गई। उपायुक्त ने सभी को श्रावण मास की शुभकामनाएं दी। मंडे को काफी ज्यादा भीड़ आता है, उसके लिए हम लोग खुद ही प्रेजेंट रहेंगे और जहां मजिस्ट्रेट का डिप्टी करना है, पुलिस का डिप्टी करना है, वो भी कर लिया गया है। तो मोटा मोटी जो सारी व्यवस्थाएं हैं उसको प्रशासन ने अपने तरीके से पूर्ण कर लिया है। जहां से जल उठाव होता है और जल यहां पर लेके आते हैं, कांवड़िया जो लेके आते हैं, उनकी सारी रूट मैपिंग कर ली गई है और रास्ते में भी जहाँ पे लोग स्वागत करना चाहें उसकी व्यवस्था हम लोगों ने एक बार चिन्हित कर लिया। तो मोटा मोटी सारा व्यवस्था ऑन द लाइन है और हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि सभी जिलावासी आएंगे, जल चढ़ाएंगे और एक अच्छा एक पॉजिटिव मैसेज यहाँ से लेके जाएंगे। वहीं खूंटी SP अमन कुमार ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पूरी तरह से तैयार रहने की बात कही। SDPO की दोनों अलग से क्वार्टी दी गई है, जो कि विशेष परिस्थिति में यहाँ पे कोई अगर समस्या होती है तो आएगी। बाकी सभी लोग वॉलंटियर के रूप में काम कर रहे हैं। जो बल भी है वो ऐसा नहीं है कि लाठी या किसी डंडे का इस्तेमाल करना है। मंदिर का परिसर है, लोगों को ठीक से लाइनअप करना, लाइन लगाने में मदद करवाना, किसी कोई समस्या है तो उसका निराकरण करना, इन चीज़ों को लेकर हम लोगों ने ब्रीफ किया है। ड्रोन वगैरह से भी यहाँ निगरानी रखी जाएगी। जो ड्रोन जिला प्रशासन का है और पुलिस प्रशासन का है वो यहाँ पर ऑपरेटर के साथ मौजूद होगा। CCTV कैमरा जो समिति का लगाया गया है सारे फंक्शनल है, उस पर भी कंट्रोल रूम से नज़र रखी जाएगी। पर हमेशा वरीय पदाधिकारी का जो यहाँ प्रेजेंस है, इंस्पेक्टर रैंक के ऑफिसर का, खास करके संडे और मंडे को जब ज़्यादा भीड़ होती है, वो डिप्लॉयमेंट में हम लोगों ने रखा है और वो हमेशा रहेगा। मंदिर के पंडित सचिदानंद शर्मा और आमरेश्वर धाम प्रबंधन समिति के अध्यक्ष मनोज कुमार ने तैयारियों को लेकर जानकारी दी। कार्यकर्ता वॉलंटियर और जिला प्रशासन के पुलिस प्रशासन के लोगों के साथ सहयोग से हम लोग एक रणनीति बनाए हैं और दूसरा है कि एक पर्यटक विभाग से यहाँ फाउंटेन और चिल्ड्रेन पार्क वगैरह के भी निर्माण कराया गया है, जो आकर्षण का केंद्र रहेगा। बाकी बात सावन में है, बाबा भोले की जयकारा होते रहेगी, यहाँ बम लोग आते रहेंगे, सबको सेवा संतुष्टि प्रदान करने के लिए बाबा आमेश्वर धाम प्रबंध समिति तत्पर रहेगी। प्राचीनतम के रूप में देखा जाए तो खटियांग में उत्तर साइड जो सूर्य के मंदिर के उत्तर है वो दोन का नाम है महादेव शुक्रा। तो बुंदारी में शुक्रा मीन्स नाला होता है, तो शायद पहले ये पानी बहने का कार्यक्रम में नाली रूप में आया, आज इसको पूर्वजों ने खेत बना दिया। तो महादेव शुक्रा जब खतियान में लिखा हुआ है इसका मतलब 1932 साफ दिखाई देता है, लेकिन 1864 या 65 में भी खतियान बना, उसमें भी महादेव शुक्रा है। इससे लगता है कि महादेव प्राचीन बना। क्या मान्यता है बाबा यहाँ पर? देखिए यहाँ जो है सो मेरे दादाजी के कथनानुसार आम गाछ के नीचे शिव जी थे और वो स्वयंभू हैं। उत्तर साइड हल्का झुके हुए हैं, शिवलिंग जो है सो उत्तर साइड हल्का झुका। इनकी मान्यता के ऊपर में देखा जाए तो यहाँ के आदिवासी भाई लोग जब यहाँ पूजा पाठ करने लगी तो इनको खोद के निकाल के फेंक देना चाहते, लेकिन नहीं सके। चीटी, लाल चीटी, गुदगुदाने वाली चीटी भी निकला, खुरहरा सांप भी निकला, अंतिम में नाग सांप भी निकला। इस तरह से करके तब्बाह करके छोड़ दिया, यहाँ तक कि बैल में रस्सी को शिवलिंग में बांध के जोत के बाहर निकाल रहा था, लेकिन नहीं सका। इसलिए भोलेनाथ की तो असीम कृपा है जो आज आप यहाँ पर देख रहे हैं। आप उन्हीं की देन है कि आज माँ पार्वती मणि मंदिर, गणेश मंदिर, राधा कृष्ण मंदिर, नमान मंदिर, सीताराम जानकी मंदिर, काली मंदिर, दुर्गा मंदिर, शनि मंदिर यहाँ।